नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई क्रेजी क्रोशिया में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए ये 9th मंथ की बेबी के लिए सैंडविच डिजाइन लेके आए हैं। अगर आपको हमारी सैंडविच डिजाइन अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखते हैं ये सैंडल कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम 90 चेन्स बनाएंगे इस तरीके से। अब हम टर्न करेंगे, 2 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में 3 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 15 स्टिच में हम 1 1 डबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से अब नेक्स्ट 1 स्टिच में हम 6 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 15 स्टिच में हम 1 1 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 1 स्टिच में हम 3 डबल क्रोशे करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। हमारे फर्स्ट राउंड बन गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। नेक्स्ट 3 स्टिच में हम इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि 2 2 डबल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट 15 स्टिच में 1 1 डबल क्रोशे। नेक्स्ट 6 स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि 2 2 डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट 15 स्टिच में 1 1 डबल क्रोशे। इसके आगे हम 3 स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे।
लास्ट में स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा ये सेकेंड राउंड बन गया। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वन चेन बनाएंगे। थर्ड राउंड में वन स्टिच वन सिंगल क्रोसे, वन स्टिच इंक्रीज सिंगल क्रोसे, ये हम थ्री टाइम रिपीट करेंगे। इसके आगे फाइव स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट फाइव स्टिच में वन वन हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट फाइव स्टिच में वन वन डबल क्रोशे। अब इसके आगे सिक्स टाइम वन स्टिच में वन डबल क्रोशे और वन स्टिच में इंक्रीज डबल क्रोशे करेंगे। अब इसके आगे जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे। इस तरीके से लास्ट में हम स्लिप स्टिच करेंगे और सेम ऐसे ही वन पीस और बना लेंगे। इस तरीके से अब इन दोनों पीसों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और लाइट ग्रीन कलर से स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से अब हम एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। अब इसके आगे सोल के फ्रंट साइड में 14 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में ग्रीन कलर ज्वाइंट करेंगे।
और थ्री स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। वन चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे, नेक्स्ट थ्री स्टिच में वन वन सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके आगे थ्री चेन्स बनाएंगे और टर्न करेंगे, और जो लास्ट स्टिचेस में हम स्लिप स्टिच करेंगे। वन चेन बनाएंगे इस तरीके से और इस धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे नेक्स्ट फोर स्टिच स्किप करके सेम ऐसा ही बनाएंगे, और इसके आगे फोर स्टिच स्किप करके सेम ऐसा ही बनाएंगे, और सेम जैसे हम इस साइड बनाएंगे वैसे हम इस साइड भी बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम लाइट ग्रीन कलर से 200 चेन्स बनाएंगे। अब इसके आगे हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे और इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और ऐसे धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। और सेम ऐसे ही हमने टू कलर से और बना लिए हैं। अब हम इन तीनों को यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सैंडल की डिजाइन अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपकी पसंद की एक और वीडियो में।